बिहार के मिथिलांचल में मधुश्रावणी पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। इस पूजा को लेकर मिथिलावासी में इतनी आस्था है कि यहाँ के लोग इस पूजा में कई त्याग करते हैं। इस पूजा के दौरान त्याग का लेवल इस तरह बढ़ जाता है कि व्रती खुद जलने के लिए भी तैयार हो जाती है। मिथिलांचल से हटकर रहने वाले भले ही इस परंपरा को अंधविश्वास के साथ जोड़ते हों, लेकिन मिथिलांचल वासी इसे आस्था से जोड़कर ही देखते हैं और बड़ी ही शिद्दत के साथ इसे मनाते हैं। मधुश्रावणी पूजा को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस पूजा के दौरान नवविवाहिता व्रती महिला को जलती टेमी से दागना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि इससे पैरों और घुटने पर जो फफोले आते हैं वो पति पत्नी के अथाह प्रेम को दर्शाता है। इस फफोलों के आकार से ये अनुमान लगाया जाता है कि पति अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है। वहीं इस फफोलों को लेकर ये भी माना जाता है कि महिला में सहन शक्ति कितनी अधिक है, वो अपने परिवार और पति के प्रति कितनी श्रद्धा रखती है। दागने के दौरान नवविवाहिता के घुटने पर पत्ता रखा जाता है और उस पत्ते को जलती हुई बाती से दागा जाता है। इस दौरान पति पत्ते से अपने व्रती पत्नी की आंखें बंद करता है और फिर जाकर टेमी दागने की ये परंपरा खत्म होती है।